हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मृतिशा। आई विल टीच यू केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर नेम इज सॉलिड स्टेट। ओके, देन वी विल स्टार्ट सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। ओके, सॉलिड मीन्स व्हाट? सॉलिड मीन्स इट हैज डिफाइनाइट साइज, वॉल्यूम, शेप। ओके, एंड इट हैज ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच विथ ईच अदर वेरी स्ट्रांगली एंड इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज वेरी स्ट्रांग। ओके, एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ सॉलिड मीन्स सॉलिड कैसे होता है, सॉलिड क्या होता है, तो वो जो है उसके साइज, उसका शेप, उसकी वॉल्यूम जो भी है वो क्या है, सेम है, डिफाइनाइट है। ओके, एंड बिटवीन देम इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट। इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन्स व्हाट? कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, सारे मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब इकट्ठे होते हैं तो कैसे अटैच होते हैं, दैट्स वाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इज स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स व्हाट? दिस सीपी इंडिकेटेड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देर आर थ्री टाइप्स। ओके, मीन्स आयन, मोलिक्यूल्स और एटम्स, दिस ऑल आर वर्क्स एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज एटम, सेकेंड वन इज मोलिक्यूल, थर्ड वन इज आयन्स। ओके, एंड दिस ऑल आर नॉन एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एंड वेन एटम अटैच विथ अनदर एटम, ओके, लाइक फॉर्मेशन ऑफ वन मोलिक्यूल H2O2Cl2I2, दिस वन वर्क्स एज अ मोलिक्यूल एंड बिटवीन देम वन बॉन्ड प्रेजेंट एंड दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांगली एंड ऑल मोलिक्यूल अटैच विथ ईच अदर वेरी टाइटली, दैट्स वाई इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज वेरी स्ट्रांग। बिकॉज इन सॉलिड मोलिक्यूल्स ऑल एटम, ऑल आयन, ऑल मोलिक्यूल अटैच विथ ईच अदर वेरी टाइटली एंड क्लोज टू ईच अदर। When all atoms attach with each other very closely, then very easily form solid. Okay, and you know already you are studied in standard 11th. Okay, states of matter chapter, and in this chapter, okay, gaseous types of matters present and liquid, जो होता है हम लोगों का state, okay, वो liquid generally हम लोग study करते हैं physics के अंदर, and solid जो है स्टेट तो वो हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, वो उसका हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। दैट्स वाई दिस वन इंडिकेटेड डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, दिस ऑल आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड डेफिनेशन। ओके, एंड सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, कैसे होता है सॉलिड, क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। एंड फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, फर्स्ट वन इज इट हैज डिफाइनाइट size, volume and shape. Okay, second one is compressibility is very low. Okay, compressibility is low means this type of substance known as rigid substance. Okay, and third one is flexibility, flexibility of solid
flexibility is low. Okay, flexibility means what? जो रबर है, ग्लास है, वो सारे के सारे हम लोग कंसिडर करेंगे, क्या है ना कि फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स वॉट? कि जो हम लोग ईजिली उसको खींच सकते हैं, ओके, और फिर से अपना सेप तुरंत आ जाता है, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं. लेकिन सॉलिड के अंदर वो नहीं है, दैट्स वाई इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज लो. एंड सॉलिड पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज़ constituent particle of solid melting point and boiling point is very high. Okay, melting point or boiling point is high means what? जो solid compound है, molecule है, ion है, atom है, these all are works as the constituent particles. And melting point or boiling point of given solid is very high. Okay, and last characteristic of solid is solid compound or solid constituent particle is two types of, okay, anisotropic and isotropics. And this one indicated anisotropic. Anisotropic means what? Okay, different, its physical property is also different, and this physical property different in different direction, that's why this one indicated an isotropic. And isotropic means what? Its physical property is same but its direction is different, that's why this one indicated isotropic. And see, these all points known as its characteristics. Okay, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो. क्लियर? मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बुक में है, लेकिन वो बहुत ब्रीफली दिया गया है. शॉर्ट में ही कैरेक्टरिस्टिक याद रखने की कि क्या है, वो रिजिड कंपाउंड है कि नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट. यू नो सॉलिड कंपाउंड्स जब मेल्ट करना स्टार्ट होता है, मीन्स वॉट? वैन सॉलिड कंपाउंड कन्वर्ट इन टू इट्स लिक्विड स्टेट, ओके, देन this one indicated its melting point. And boiling point means what? When liquid substance, okay, convert into its gaseous state, and this one indicated its boiling point. And melting point and boiling point is very high in solid compounds. Now second one is how many types of solids. Solids means divided into two types, okay. Main ye rub kar deti hu. अब दूसरा लेती हूँ, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स डिवाइडेड इनटू टोटल टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एमोरफस सॉलिड. क्लियर? ओके, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाइड क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड. देन क्रिस्टलाइन मीन्स क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसा होता है, क्या होता है, ओके. तो जनरली यू नो, आप लोग घर पे जो नमक यूज करते हो, दिस वन नॉन एज सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके. दिस वन इंडिकेटेड इट्स क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. मीन्स वॉट? क्रिस्टलाइन के अंदर जो पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके, वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, उसकी अरेंजमेंट जो है, वो क्या होती है, एक लिनियरली पोजिशन में होती है. दैट्स वाई इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नॉन एज NaCl और KCl, और सेकेंड वन इज Zn एज CaCl2. दिस ऑल आर वर्क्स इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके. एमोरफस, एमोरफस known as one type of powderic medium. And you know which type of amorphous solids are present, okay. Amorphous melting point and boiling point is low, but crystalline solids, these all solid particles attach with each other very nearer,
That's why this one indicated crystalline solids. Okay, and crystalline solid के अंदर एटम की अरेंजमेंट जो है वो कैसे होती है? तो जो है ये सपोज वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एंड अटैच विथ सेकेंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड इस तरह से उसकी कुछ अरेंजमेंट होती है. ओके, एंड व्हेन सेकेंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप लोग इजीली देख सकते हो कि एक एटम के नीचे के साइड पे दूसरा एटम अरेंज हुआ है, मींस वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली ऑल एटम्स आयंस और मोलेक्यूल्स अरेंज विथ ईच अदर वेरी लीनियरली. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अरेंज विथ ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स व्हाट, कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, जो वो बनता है सॉलिड का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो रफली मैंने फिगर ड्रॉ किया है उसके अंदर आप इजीली देख सकते हो कि वन एटम अटैच विथ अनदर एटम बाय वर्टिकली. ओके, एंड एक लाइन में ही है तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा? क्लोजली. क्यों? क्योंकि सॉलिड जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास रहता है, नियरर टू ईच अदर. दैट्स व्हाई इजीली फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. सॉलिड को हम लोग जब बनाते हैं तो वो क्या होता है कि इजीली कैन नॉट बी ब्रेक. सॉलिड जो बन जाता है तो ऐसा नहीं कि निकाल दिया और टूट गया तो उसको सॉलिड कैसे बोलेंगे. ओके, दैट्स व्हाई दिस वन इंडिकेटेड दिस टाइप ऑफ फिगर एंड इजीली दिस वन नॉन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकेंड वन इज एमोरफस सॉलिड. जो एमोरफस सॉलिड है उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? तो उसमें हम लोग लिक्विड टाइप के गैसेस टाइप के मोलिक्यूल्स जो है उसको ले सकते हैं, लेकिन उसका क्या वर्क क्या है कि वो इजिली डिफ्यूज हो सकते हैं. ओके, मीन्स वो जो मोलिक्यूल की अरेंजमेंट पार्टिकल्स अरेंज विथ ईच अदर कैसे होता है वो एमोरफस के अंदर. तो एक मोलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और सो मैनी मोलिक्यूल्स और एटम अटैच विथ ईच अदर, तो उसकी कोई फिगर ही नहीं बनेगी. मीन्स किसी भी डिरेक्शन में वो अरेंज हो जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई दिस वन इंडिकेटेड एमोरफस सॉलिड. ओके, एंड दिस वन इज क्रिस्टलाइन एंड दिस वन इज एमोरफस सॉलिड. एमोरफस में जो जब हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं तो उस तरह की फिगर आप लोग बुक में पहले ड्रॉ कर देना. ओके, और पॉइंट वाइज आप लोग समझने की ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, लेकिन एक बार आप लोग रटना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत टफ बन जाएगा. दैट्स वाई प्लीज़ आप लोग जब नोट्स बनाते हो तो इस टाइप का थोड़ा शॉर्टली क्या लिख दो, पॉइंट लिख दो. इसीलिए आप लोगों को जब बोर्ड की एग्जाम आती है तो आप लोगों के लिए इजी बन जाता है रिविजन करने के लिए. क्लियर फ्रेंड्स? ओके, देन सेकेंड वन इज मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक एंड एन आइसोटोनिक. अगर ये मीन्स आगे हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक की सॉलिड की तब वर्ड आया था एन आइसोटोनिक. एन आइसोटोनिक, ओके, एन आइसोटोनिक मीन्स वर्ड एंड आइसोटोनिक मीन्स वर्ड. एन आइसोटोनिक मीन्स एन, जिसके आगे ए एन जैसा कुछ वर्ड आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन आइसोटोनिक. वो टू टाइप्स के आइसोटोनिक्स है, वन इज आइसो, सेकेंड वन इज एन आइसो. दैट्स वाई दिस एन आइसोटोनिक इंडिकेटेड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डिरेक्शन. ओके, मीन्स ऑल सॉलिड सब्सटेंस और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. सारे के सारे जो सेम रहते तो वो केमिकल बनाने के लिए काम ही नहीं लगता. दैट्स वाई ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. दिस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी अरेंज इन डिफरेंट डिरेक्शन. दैट्स वाई शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डिरेक्शन. ओके, एंड दिस वन इंडिकेटेड एन आइसोटोनिक. नाउ सेकेंड वन इज, जब मैं ये वर्ड ए एन जो वर्ड है वो रिमूव कर दूंगी तो बन जाएगा आइसोटोनिक. क्लियर? दैट्स वाई आइसोटोनिक मीन्स वॉट. आइसोटोनिक में जो होता है वो क्या होता है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम बट दिस फिजिकल प्रॉपर्टी
same in different direction. That's why this one indicated isotonic. Isotonic. Okay. First word an present. In second one only is, isotonic word present. But difference between them, physical property in different direction. But यहाँ पे क्या हो जाएगा? Physical property same. But this physical property same in different direction. That's why this one indicated isotonic. Clear? And ये सारे का सारा जो है वो आप लोग एक basic केमिस्ट्री में और बेसिक सॉलिड स्टेट चैप्टर में आता है, उसका एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन भी आते हैं. ओके, कि किसको हम लोग एनआइसोटॉपिक्स में कंसीडर कर सकते हैं, आइसोटॉनिक में कंसीडर कर सकते हैं. तो आप ये इजी लैंग्वेज वाला थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा. दैट्स वाई दिस वन इंडिकेटेड टाइप्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड डिफरेंस बिटवीन एनआइसोटॉनिक एंड आइसोटॉनिक. एंड जो ग्लास है वो क्या होता है? एमोरफस में हम लोग कंसिडर करते हैं. यू नो ग्लास वाई यूज एज एमोरफस सब्सटेंस और सॉलिड, बिकॉज जो ग्लास है हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं वो ग्लास. ओके, बहुत पुराना है, सपोज बिफोर फाइव और 10 ईयर्स पहले का है. तो आप लोग देख लेना कि ग्लास जो है उसकी अपर साइड की जो सरफेस आती है, ओके, तो वो सरफेस धीरे धीरे डाउन साइड मीन्स अपर साइड का लेयर जो है वो क्या है, उसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाने लगती है और डाउन साइड की जो सरफेस है वो बढ़ जाने लगती है. वो इजीली इंडिकेट करता है कि ग्लास में कैसा किस टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसकी अरेंजमेंट पार्टिकल की कैसी होती है. वाई दिस वन इंडिकेटेड एमोरफस सॉलिड. क्लियर फ्रेंड्स? दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इंडिकेटेड एमोरफस. एंड रबर तो हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, वो स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल होता है, जो उसको खींचो तो बहुत सारा खींच भी सकता है, उसको छोड़ दो तो तुरंत अपना सेप भी ले सकता है. दैट्स वाई दिस वन इंडिकेटेड वन टाइप ऑफ एमोरफस सब्सटेंस. एंड क्रिस्टलाइन एंड नमक तो घर में आप सब भी लोग यूज़ करते हैं हर रोज़. ओके, वो उसको ले लोगे तो आपको सेम मोलिक्यूल उसका सेम शेप सेम साइज सब कुछ सेम दिखेगा. एंड थोड़ा बहुत आप लोगों को हाथ में लोगे तो पाउडरिक फॉर्म नहीं दिखेगा, क्रिस्टलाइन मीडियम दिखेगा. दैट्स वाई दिस वन इंडिकेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.